हेलो चैंपियंस वेलकम बैक टू लेट स्कोर हंड्रेड दोस्तों आज आ, मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त लर्निंग ट्रिक लेकर के आया हूं जिसकी हेल्प से आप कोई भी लॉन्ग आंसर हो चाहे वो सोशल स्टडीज का हो चाहे वो साइंस का हो उसे आप विद इन फाइव मिनट्स लर्न कर सकते हैं राइट एंड एग्जाम्स का सीजन चल ही रहा है प्री बोर्ड आप लोगों के चल रहे हैं बोर्ड का भी एग्जाम आने वाला है तो कम टाइम में किसी भी लॉन्ग आंसर्स को कैसे लर्न करें तो आज का टॉपिक हमारा यही है तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों जो मैंने ये क्वेश्चन जो लिया है ये बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन लिया है बेसिकली और हां इस क्वेश्चन को टेकअप करने का मेन रीजन यही है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने चूज किया है जिसकी हेल्प से हम लोग लॉन्ग आंसर को फाइव मिनट्स में कैसे लर्न करें सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ही यही है ये कि, कि ये क्वेश्चन पहला मकसद ये है कि ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल यानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है कभी फाइव मार्कर कभी थ्री मार्कर सो दैट्स वाई आई है पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं तो क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल देखिए फाइव मार्कर है तो फिर से बोलना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने ही आने वाला है फर्क हो सकता है कि थ्री मार्कर आएगा फाइव मार्कर आई डोंट नो बट आएगा ये हंड्रेड राइट तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है और हां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बोलनी थी कि प्लीज आप अपनी एनसीआर नोटबुक एंड पेन लेके जरूर बैठिए सो दैट आप देख सकें कि और उसको अप्लाई भी कर सकें एट द सेम टाइम कि किसी भी लॉन्ग आंसर को किस तरीके से हम उसे लिखें कि फाइव मिनट्स में वो लर्न हो जाए और वैसे इस मेथड को बोलते हैं कीवर्ड मेथड एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं बिफोर आई स्टार्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए मैंने कई सारे स्कूल्स में पढ़ाया है मैंने सीबीएसई बोर्ड की कॉपी भी चेक करी है और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें एज अ टीचर हमें खुद भी पूरा का पूरा आंसर याद नहीं रहता लेकिन इतने साल से आप पढ़ा रहे हो तो क्या होता है आपको की वर्ड याद रह जाते हैं जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो हमें पूरे आंसर नहीं याद रहते हमें की वर्ड याद रहता है चूंकि हम एन से पढ़ाते हैं तो वो की इतनी बार रिविजन होता है हर साल पढ़ाया जाता है कई सेक्शन में हम पढ़ाते हैं तो कीवर्ड दिमाग में फिक्स हो जाता है राइट तो वाइल्ड चेकिंग कॉपीज हम लोग ये देखते हैं कि आंसर जो आप जो आप लोग लिखते हो उस आंसर में वो पर्टिकुलर की वर्ड कहां है और इसको इस पर्टिकुलर जो लर्निंग की ट्रिक मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूं इसे बोलते हैं की वर्ड मेथड की वर्ड मेथड की, की हेल्प से न केवल आप अपना प्रीशियस टाइम बचा सकते हो आंसर लर्निंग में बल्कि आप अगर की वर्ड मेथड को वाइल्ड राइटिंग आंसर्स आप इस्तेमाल करते हो यूज करते हो तो यू एंड अप गेटिंग फुल ऑन फुल ऑन पक्के हैं अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं आप एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठे नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा चलिए जैसे हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप्ड है किसी कंट्री में तभी उस तभी उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और यही सेम क्वेश्चन एक और अदर uh, वर्ड्स में भी आ सकता है कैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है उाइल हाउ इज हाउ इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हां हां क्वेश्चन इस तरीके से आएगा वाई इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है राइट तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपको पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहा है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से ही इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कम, आ, किसी भी कंट्री की पॉसिबल है तो आई होप आप लोगों ने ले ली है और देखिए हमारा टॉपिक ये है है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ठीक तो तो चलिए इसे देखते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ये देखो आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फोर पॉइंट्स हैं अब इसमें देखिए पहले कीवर्ड कैसे निकालते हैं और फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं सो देट हम आंसर को अच्छे से लर्न कर पाए आइए फटाफट देखते हैं देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये आपकी एनसीआर टी से ही मैंने लिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन बैक बोन ऑफ द आर इकोनॉमी देखिये ये की हैं है की को जब आप लोग पढ़ते हैं ऐसे बुक तो की को पिक कर लिया करिए दे ऑल्सो रिड्यूस दी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम तो इसमें अंडरलाइन करेंगे हम ये की है रिड्यूस दिपेंडेंस एग्रीकल्चरल इनकम हो गया एंड उसके बाद प्रोवाइडिंग जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्सरी अब हमने क्या किया पैराग्राफ को पढ़ा उसमें जो पैराग्राफ की क्रीम थी बेसिकली जैसे मिल्क में से क्रीम निकालते हैं उसी तरह हमने पैराग्राफ पढ़ा और निकाल लिया जो इंपॉर्टेंट की वर्ड थे अब उन इंपॉर्टेंट की वर्ड को प्लेस कैसे करना है आइए देखते हैं। अपनी हैंड राइटिंग में बना के क्या हो सकता है थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़े समझने के लिए चूंकि अब लिखने की आदत नहीं रह गई है फिर भी मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए देखिए क्या उठाया की वर्ड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इस यहां पे दिया हुआ है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर उसके बाद एग्रीकल्चर को क्या बोला गया बैक बोन ऑफ आर इकॉनॉमी तो पूरा नहीं सेंटेंस लिखना केवल की वर्ड उठाना बैक बोन ऑफ इकॉनॉमी उसके बाद दूसरा काम क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर डेवलप होती, होती है तो क्या करती तो? है समझाऊंगा नहीं आज केवल आंसर लर्न कराऊंगा टॉपिक को समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है ना केवल समझते हैं की हमने उठाया कि पहला क्या है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर ठीक है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है दूसरा प्रोवाइडिंग जॉब्स कौन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है प्रोवाइडिंग जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है और जब लोगों को जॉब मिलती है तो क्या होता है जो हैवी डिपेंडेंस लोगों की होती है एग्रीकल्चरल इनकम पे वो लोगों की कम हो जाती है राइट right? तो देखिए अब ये वाला पर्टिकुलर सेंटेंस मैंने जानबूझ करके ठीक इसके बाद ही नहीं प्लेस किया क्योंकि एक लॉजिकल होना चाहिए ना ताकि एक keyword, दूसरे keyword को रिकॉल करने में आपकी हेल्प करे राइट तो इसको कैसे प्लेस करते हैं अब देखिए ये आप arrows, आप लोग वगैरह जरूर यूज करना पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखना क्योंकि पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे तो आप कीवर्ड भूल जाओगे आपको कीवर्ड नहीं याद रहेगा सारे नहीं याद रहेंगे तो आप इस तरह का एरो या कोई डायग्राम बना के इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं चलिए अब दूसरे पैराग्राफ अब देखिए जैसे कि ये पैराग्राफ हमने उठाया अब देखिए की जैसे हमें याद है कि मैंने इस, इस क्या क्या उठाया इस पैराग्राफ से की मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर उसके बाद हमने क्या उठाया प्रोवाइडिंग जॉब्स अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगी तो जॉब प्रोवाइड करेगी कहां कहाँ प्राइमरी सेक्टर में तो ऑलरेडी लोग लगे ही हैं है ना प्रोवाइडिंग जॉब कहां करेगी जॉब करेगी सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उसके बाद कहा जॉब प्रोवाइड करेगी टर्शरी सेक्टर में या सर्विसेज सेक्टर में अब इसकी वजह से क्या होगा लोगों की जो हैवी डिपेंडेंस है ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल इनकम वो लोगों की कम हो जाएगी तो इस तरीके से आप चुटकियों में आंसर्स को लर्न कर लोगे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से की को सेट करना होगा जैसा कि मैंने किया हुआ है आइए अब चलते हैं दूसरे दूसरी स्लाइड पर ध्यान दीजिए इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप पैराग्राफ को पहले पढ़ना सीखिए अब देखिए दूसरा दूसरा पैराग्राफ क्या है industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. the kemil gap was keyword. eradication of unemployment and poverty. Hmm. main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures. It was, also, it was also aimed at bringing down regional disparities. how? by establishing industries in tribal and बैकवर्ड एरियाज अच्छा एक चीज आप लोग पूछ सकते हैं सर उसमें एक पैराग्राफ में आपने दो पॉइंट क्यों बना दिया दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि SST में जो हमें लिखने होते हैं वो पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं हमें पॉइंट्स में लिखने हैं और ये पैराग्राफ इतना बड़ा था तो इसमें दो पॉइंट आप बना सकते हैं और याद रखिए फाइव मार्कर जब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो आपको 120 वर्ड की जो लिमिट है उसको फॉलो करना है ना उससे कम लिखना है ना उससे ज्यादा लिखना है मान लीजिए कि फाइव टू टेन वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते हैं और फाइव टू टेन वर्ड्स कम भी हो सकते हैं वो जब कॉपी चेक होती है ना तो वहां पे वर्ड्स को काउंट करने का टाइम नहीं होता है हम यही देखते हैं कि आप कितना आपने अपने थॉट्स को बेसिकली आपने की लिखा है कि नहीं लिखा है और अपने आप अपने थाट्स को आपने कितनी नीटली कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका राइट चलिए अब इसमें से हमने की उठा लिया अब इसको, इसको इस तरीके से देखिए इसमें क्या की है इरेडिकेशन ऑफ बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी तो क्या होगा दिस वाज द मेन फिलोसफी जब हमारी कंट्री में आप जानते हैं कि सेकंड फाइव ईयर प्लान में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा थ्रस्ट था सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पर काफी फोकस किया गया राइट right? इसीलिए पब्लिक सेक्टर एंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया गया ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स को बढ़ावा दिया गया और दूसरा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी तो क्या होगा इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटी रीजनल डिस्पैरिटी का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे स्टेट्स लाइक like, आपका उड़ीसा हो गया राजस्थान हो गया यूपी हो गया बिहार हो गया यहां से लाखों की संख्या में लोग सिटीज लाइक like, अहमदाबाद मुंबई डेली नोएडा यहां आ जाते हैं जॉब के लिए क्यों जाते हैं अपने ही स्टेट में क्यों उनको जॉब नहीं मिल जाती क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज है इंडस्ट्रीज ही नहीं है इनकी मजबूरी बनती है इन लोगों को दूसरे स्टेट्स में जाना चले आगे बढ़ते हैं अब यहां पे आप लोगों ने देख लिया मेन फिलोस बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स उसके बाद देखिए इसी पैराग्राफ में था इसको मैंने फोर्थ पॉइंट बना दिया है ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटी कैसे बाय स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल बायिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है जो इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं है है ना और ट्राइबल एरियाज चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग टेकअप करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा जो कि थर्ड पॉइंट है इसका थर्ड पैराग्राफ है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्यक्चर मैनुफैक्चर गुड्स अब देखिए अगर हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है तो क्या होगा देखिए किसी भी कंट्री में अगर पहले भी देखिए अगर किसी भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो है तो क्या होगा वो जितना भी सरप्लस सरप्लस नहीं बोलोगे अपनी यूज के लिए चीजों को रख करके जो सरप्लस प्रोडक्ट होगा पूरी दुनिया में हम क्या करें एक्सपोर्ट करेंगे तो इस वजह से क्या हो गया ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा तो क्या होगा क्या होगा वैल्यूएबल वैल्यूएबल फॉरिन एक्सचेंज यानी डॉलर में पैसे आएंगे राइट एक बार देखते हैं इसको देखिए एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स होगा तो क्या होगा इसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा जब ट्रेड एंड कॉमर्स अमेरिका से तो, रुपए में नहीं वो में दो। कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री से सामान खरीदने जाती है तो जिस कंट्री से आप सामान खरीद रहे हो उस कंट्री की करेंसी में आपको पे करना पड़ता है जिसके लिए फॉरेन करेंसी कैसे आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में होंगे तो आपके लगभग हर कंट्री की करेंसी आएगी क्योंकि आप बेच रहे हो दुनिया भर में आपका सामान बिक रहा है अच्छा दुनिया भर में सामान कैसे बिकेगा जब आपकी यहाँ जब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप होगी तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे नहीं तो खुद इम्पोर्ट करते रहेंगे राइट चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है देखो इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है अब वही की उठा लीजिए एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स अगर होगा तो क्या होगा इससे ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड होगा जब ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपैंड होगा तो डॉलर डॉलर में पैसों की बारिश होगी और इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा राइट चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं तो हमारा अगला पैराग्राफ है जो कि लास्ट पैराग्राफ है इसी का देखिए अगला पैराग्राफ ऐसे है पढ़ते हैं पहले कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म ध्यान दीजिए मिल गया ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस पहला दूसरा इंडियास प्रॉस्पेरिटी लाइज इन ध्यान दीजिए

बल्लरी चित्रदुर्ग बल्लरी चित्रदुर्ग चिकमलुरु तुमकुरु बेल्ट है वहां पे एक आयरन और माइन है जहां पे उस पर्टिकुलर आयरन और माइन से जितना भी और माइन किया जाता है सारा का सारा मैंगलुरु पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और आपकी एनसीआरटी में लिखा है कि ये हंड्रेड परसेंट ये ये पर्टिकुलर आयरन और माइन एक्चुअली मैं इसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस पर्टिकुलर आयरन और माइन का नाम आपको कमेंट में कमेंट कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर आयरन और माइन है फिर से बता दो में, में है जितना भी आयरन और यहां से निकाला जाता है इस पर्टिकुलर माइन से सारा का सारा क्या बोला गया हंड्रेड आयरन और एक्सपोर्ट यूनिट है तो अगर इसी हम आयरन और स्टील बना के बेचें क्या हमें क्या वैल्यूबल फॉरन वैल्यूएबल फॉरन एक्सचेंज नहीं मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा राइट right? चलिए अगला पॉइंट देखिए अब इसमें जैसे बोला है कि इंडिया इंडिया जो है वो प्रोस्परस तभी हो सकता है दो की है हमारे इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग अगर इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है वर्ल्ड की तो क्या करना पड़ेगा इसको अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा यानी इंडिया को कोशिश करनी पड़ेगी कि लगभग वो लगभग क्या हर सामान वो अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सके जितना एक्सपोर्ट हो गया उतना वैल्यूएबल वेल्युबल -वेल फॉरेन एक्सचेंज आएगा उतना हम लोग हमारे कंट्री प्रोग्रेस करेगी दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लिस्ट फोर हंड्रेड एंड लाइक द वीडियो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच